हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा था, उसमें हम बेसिक क्वेश्चन एक दो किए थे शायद, हैं, और अब करेंगे हम लोग उसके बेसिक से ही। हम लोग देख पा रहे थे पिछले क्लास में, अगर कभी भी देखिए कभी भी हमको ये बेसिक में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि साधारण ब्याज जो है सो बेसिकली प्रोपोर्शनल है पी आर टी के, ठीक है, ये समानुपाती है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज पी आर टी बटा 100, ये या फिर कह सकते हैं कि पी आर परसेंट इंटू टी, और इसी को कह सकते हैं पी आर टी बटा 100, ये परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 रहता है, ठीक है। इसका मतलब कि जब प्रिंसिपल बढ़ेगा तो सीधा इफेक्ट उसका पड़ेगा किस पर, ब्याज पर। प्रिंसिपल बढ़ेगा ब्याज बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा ब्याज बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा ब्याज बढ़ेगा, टाइम में कमी ब्याज में कमी, और ये सब सारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, जो साथे रहता है उल्टा होता है जी, ठीक है। तो वो तो खैर बाद की बात है, लेकिन पिछले क्लास में एक बात बताया गया था कि यदि प्रिंसिपल को हम 100 मान लें, प्रिंसिपल को 100 माने तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम। इसीलिए आपको समझना है कि भाई अगर मान लो कि 600 रुपया प्रिंसिपल दे रखा है और रेट दे रखा है 8% और समय दे रखा है 5 साल, 8% वार्षिक रेट ऐसे लिखेगा जी। पिछले क्लास में सभी शब्दों के बारे में हम इंट्रोडक्शन दिए थे कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, अभी हम उसके आगे पढ़ रहे हैं। तो ये बैच है 1:30 बजे वाला, यानी कि 1 से 2:30 बैच है ये। तो आज ये जो भी वीडियो है ये रिकॉर्डेड डाला जा रहा है, चूँकि सडनली अचानक से नेट आपका चला गया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा डेली नहीं होगा लेकिन आज आपके बैच में हुआ है, ठीक है। और हमेशा से हम लाइव ही पढ़ेंगे, ऑफलाइन का प्रयास आप ना करें। जिनका घर एकदम नज़दीक पड़ता है वो लोग भी ना आए, ठीक है, ना आना है। क्लासरूम में कोई नहीं है, एकाध दो को ऐसी बैठल है, वो लगता है ऑफिस मेंबर ही है सब, ठीक। तो बड़ा अचानक सा सरकार का रात में डिसीजन आया सबके, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाले से हम लोग नहीं हैं। हम लोग हमेशा से ही कहते रहे हैं कि भाई जितना दिक्कत होगा समझिए कि अगर उसको झेल लिए तो आप उन अलग लोगों में से गिने जाएंगे जो बाकी हैं। इसलिए आप सबको अलग रहना है, तो यानी कि लड़ाई लड़ना है, और ये कोई ना सोचे कि हम घर जाके पढ़ लेंगे, वैसा नहीं होता है, ठीक है। अगर पढ़ना होता तो आप कर लिए होते। इसलिए जितना लोग वीडियो ये देख रहे हैं लगातार, हम लोग आज का है ऐसा केस, लेकिन हमेशा से देखिए नेट प्रॉब्लम एक आध दो दिन हो सकता है, ऐसा नहीं कि डेली होगा। हाँ, केस क्लास एक ही केस में बंद होगा जब मेरा ही तबीयत खराब हो, नहीं तो क्लास रेगुलर चलता रहेगा और आपसे बीच बीच में बातें करते रहेंगे। आज आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड डलाएगा, लेकिन बात कर करके तमाम क्लास का फीलिंग जो आप अभी तक लिए हैं प्रयास करेंगे कि वो आपको महसूस करवाएं। खैर, तो क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 600 रुपया, रेट दिया 8% और टाइम दिया हुआ है 8% वार्षिक लिखेगा इसको, ठीक है, 8% वार्षिक, और टाइम मिला है आपको मान लो कि 5 वर्ष। तो आप सीधा सोच सकते हो क्या, आप ब्याज निकाल सकते हो डायरेक्ट कितना, कैसे, 600 × 8 × 5/100 डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो आप, और काट सकते हैं आप 600 से 600 और 8×5=40 और 6×24 240 रुपये अमाउंट निकालना है। तो आप जानते हो कि प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है, और प्रिंसिपल आपका 600 रुपया है, 600 रुपया प्रिंसिपल है और ब्याज आपका 240 है, यानी कुल मिलाकर हमको कर्जा निपटाने के लिए देना होगा 840 रुपया। क्लियर है बात, इतना बात को जानते हो। और अगर ये बात जानते हैं तो मैं इसको अगर आपको डिस्कस करूं, मैं आपको डिस्कस करूं,
ना मानेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्कस करूं इसी चीज़ को, तो मैं मानूंगा प्रिंसिपल 100 रुपया, मैं मानूंगा प्रिंसिपल 100 रुपया, और हमेशा से ब्याज के लिए लिखूंगा रेट गुने टाइम। रेट आपका कितना था? 8% और टाइम आपका था 5%, तो 8×5=40 रुपया ब्याज हो जाता। कितने का? 100 का। 100 रुपया मूलधन रहता तो 40 रुपये ब्याज होता, और मृत धन होता आपका कितना अमाउंट हो जाता, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि 100 + 40 हो जाता है 140। और हमें जो निकालना होता है या जो दिया हुआ रहता है उससे कंपेयर करते, जैसे यहाँ पर इस प्रश्न में रेट और टाइम के अलावे दे रखा था मूलधन, तो हम मूलधन का तुलना मूलधन से कर देते, यानी कि लिखते कि 100 मूलधन है सो वास्तविक में 600 रुपया है, 100 रुपया है सो वास्तविक में कितना है 600 रुपया है। इसीलिए अगर मुझे निकालना है ब्याज, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम रखेंगे साधारण ब्याज 100 के अनुसार जो था, 100 के अनुसार था 40, हम रखेंगे 40, और ये हो जाएगा 6×4=24,240। अगर मुझे निकालना है अमाउंट तो हम रखेंगे 140, और इसके अनुसार से 14×84, और यहाँ पर 00 से 00 कट गया था, यानी कि एक ही बार 0, 840। आप अमाउंट ऐसे भी निकाल सकते थे, क्या कर सकते थे कि 240 रुपया दे दिया था आपका ब्याज और 600 रुपया मूलधन था, 600 240 भी कर सकते थे, लेकिन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो आप ऐसे फॉर्मूला लिखते थे उसको थोड़ा सा आदत बनाना है इस पर, क्यों? क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल आसान होने वाले हैं। देखिए जी, जो आसान सवाल है उसको आप ऐसे भी लिख के बना लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा विशेष। जो आसान सवाल है उसको चाहे ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, एक ही बात है, लेकिन बहुत सारे सवालों को हम केवल सोचेंगे इसी पर, डायरेक्ट बनाएंगे। इसलिए अब थोड़ा सा इस पर से, इस हिसाब से बनाना सीखना है। क्लियर है बात? हाँ, तो दूसरी बात कि बहुतों का शिकायत हमसे रहता है कि सर आप लिख ही नहीं देते हैं, तो साइड हो जाया कीजिए, साइड हो गए लो, आपके बीच नहीं आएंगे, लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग नहीं लिखे, हाँ आप क्लिक कर लिया कीजिए इसको, उसके बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि एक नेगेटिव है YouTube का, बाद में का मतलब बड़ी बाद में, ठीक है, तो ऐसा ना करें। मैं इसलिए बोला भी हूँ कि वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा, आज तो खैर आज लाइव रहे ही नहीं, तो ये रहेगा लंबा। आप फ़ोन में से ज़रूर कॉपी में लिखें, ठीक है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि YouTube पर को देख कर एक बार फिर से लिखें, मैं तेज़ी से आगे बढ़ता हूँ। दूसरा चीज, आप लोग भी लिखिएगा YouTube से, बढ़ा बढ़ा के खाली लिखना ना है, नहीं बजाएगा, ऐसे लिखना है ऐसे नहीं, वैसे ज्यादा लंबा हो जाएगा, लाइव रहेंगे तब लिखने का मौका देंगे। ठीक है, हैं, हाँ फोटो क्लिक कर सकते हैं, थोड़ा सा लीजिए, कर लीजिए भाई बैक, अभी तो यही इतना ही था। देखो फोटो में ऐसे सेल्फी नहीं लीजिए, फोटो खींचिए, वीडियो में अगर हम कभी गायब हो रहे होंगे, आवाज केवल सुनाई दे रहा हो, तो समझ लीजिए कि हम साइड हुए हैं और लोग वीडियो में ये क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख रहे हैं, ये समझिएगा आप। ठीक है, चलिए हो गया होगा सर, हो गया। सुनिए, दूसरा है कि अगर आपको कभी भी एक चीज़ और पॉइंट है जो कि आपको समझना है कि कोई धन 600 रुपया है बाबू प्रिंसिपल, जो कि हम कर्जा लिए हैं किसी से, ठीक है, और रेट दिया है 10% वार्षिक, यानी कि साल भर में 10 रुपया लगेगा, कितना रुपये का? 100 रुपये का। 10% वार्षिक का मतलब क्या होता है? 100 रुपये का ब्याज लगेगा 10 रुपया एक साल में, 10% वार्षिक दर से का मतलब होता है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट बताता है, अनुमान बताता है क्या कि 100 रुपये अगर मूलधन लिए होंगे किसी से कर्जा, तो 100 रुपया पर एक साल का ब्याज 10 रुपया लगेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आपको ये समझना है कि एक साल का ब्याज ये दिया हुआ है, अगर मान लो कि कोई कहता है कि 5 साल का ब्याज निकालिए, 5 साल का, तो हम क्या सोच रहे होंगे कि एक वर्ष का ब्याज कितना होता,
एक वर्ष का ब्याज होता है इसका 600 पर 10% 60 रुपया। फिर अगले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का एसआई, फिर वही 600 पर। क्योंकि ये मूलधन जो होता है ना, ये ब्याज ब्याज होता है। ये ऐसा नहीं कि ब्याज हो गया तो आप कहिएगा कि नहीं भैया हमको एक साल का ब्याज 60 रुपया हो गया तो हमारा हमारा तोरा पास कर्जा हो गया 660। ऐसा नहीं है, ये साधारण ब्याज में ऐसा नहीं है। ऐसा में कर्जा आपका वही कितना था 600, और ब्याज हमारा हर साल बढ़ता जाएगा। यानी 600 रुपया कर्ज और 60 रुपया ब्याज। लेकिन जो अगले साल फिर ब्याज लगने वाला है वो 660 पर नहीं, 600 पर ही लगेगा। क्योंकि साधारण ब्याज में इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि जो ब्याज आपने नहीं दिया है वो भी मेरा कर्ज आपका कर्जा हो गया। ब्याज ब्याज है, मूलधन मूलधन है इसमें। ऐसा नहीं कि 660 रुपया कर्जा हो गया। हालांकि सही बात तो यह है कि 660 रुपया एक तरह से उधार हो गया, लेकिन साधारण ब्याज में इस बात को ध्यान देना है कि साधारण ब्याज में कभी भी सूद का सूद नहीं लगेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज पर ब्याज लगेगा तो कहला जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? इसीलिए क्या होगा, अभी भी मूलधन कितना है, एक साल के बाद भी मूलधन कितना है 600, और 600 का 10% कितना होता है 60 रुपया। यानी कि फिर से 60 रुपया हो गया। अगले साल तीसरे साल का भी, तीसरे साल का एसआई कितना, साधारण ब्याज कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना, एक वर्ष का एसआई कितना, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया, दूसरे वर्ष का भी 60 रुपया, तीसरे वर्ष का भी 60 ही रुपया। क्योंकि ब्याज तो मूलधन तो वही है, इसीलिए ये आपको माइंड में बैठाना है कि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। क्लियर है? हर एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि पांचों साल 60-60 रुपये ब्याज मिलेगा, और इसीलिए 6×5=300, यानी 5 साल में टोटल 300 रुपया ब्याज होता। तो हम एक साल का भी ब्याज सोच के 5 से गुना कर देंगे, 3 साल का हो जाएगा। तो दो तीन बातें यहाँ पर, हर एक साल का ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि ब्याज कभी भी मूलधन में जुटता नहीं है, जब तक कि हमको अंतिम अंतिम में जुटता है केवल ब्याज, किसमें, मूलधन में, और जाके लास्ट में कर्जा हम निपटाते हैं। कर्जा निपटाने वक्त के वक्त ब्याज, साधारण ब्याज में कर्जा निपटाने के समय में जो ब्याज होगा सो किसमें जुड़ेगा, मूलधन में। उसके पहले ब्याज मूलधन में नहीं जुटेगा। क्लियर हुआ बात? तो भाई टोटल ब्याज यहाँ पर हो गया 60, 60, 120, 120, 60, 180। अच्छा 3-5 साल का था ना, तो कितना हुआ यहाँ पर, उसी तरह से फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का कितना हो जाएगा, 60 रुपया और 60 रुपया, यानी 300 रुपये टोटल। आप 300 रुपये ब्याज आया नहीं, आप डायरेक्ट भी निकालते तो वही आता 600×10% × 5/100। तो भैया ये 6×5=30, 30 दहिए 300। ऐसे भी होता। इसीलिए आपको आज से समझना है कि साधारण ब्याज, हर एक वर्ष का साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बदलते रहता है, क्योंकि हर वर्ष का ब्याज वो माना जाता है कि कर्जा हो गया। इसमें हर वर्ष का ब्याज वो कर्ज नहीं होता है, कर्ज जो शुरू में लिए है ना वही रहता है। आई होप कि ये बात स्टेटमेंट समझ में आपको आया होगा। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ाते हैं। ये जिनको देखना होगा, लिखने की जरूरत होगा तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक। अगला पॉइंट है इसमें, यानी कि आप समझ रखे हैं कि हर साल का ब्याज क्या हो जाएगा, हर साल का ब्याज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में बराबर होगा। समय चेंज ना होना चाहिए और रेट ना चेंज होना चाहिए। रेट चेंज होगा, देखो मैं आज पूरा पूरी तरह से बेसिक पर बातें कर रहा हूँ, ठीक है? तो बढ़िया से समझना है जी। महसूस कीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए हों, और आपको बार बार आपको जैसे हम महसूस करवाते थे कि हम देख रहे हैं, वैसे देख रहे हैं, ठीक है? हालांकि अभी कुछ बच्चे क्लास में आ गए हैं, 2-3 लड़का है, तो सब जो क्लास में जैसे आयल है तो उन लोग को हम देख लेते हैं नीचे कई बार, तो आप समझिएगा कि आप ही को देख रहे हैं, ठीक है? तो ठीक। अगला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि सर हर एक साल का ब्याज बराबर होता है, ये बात स्पष्ट है। पहला बात आपने समझा कि साधारण ब्याज को हम 100 मान के रेट गुने टाइम करके ब्याज निकाल सकते हैं। फिर
प्रिंसिपल को सौ मानेंगे, रेट गुने टाइम करेंगे, क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और दूसरा बात कि हर साल का साधारण ब्याज क्या होगा? बराबर होगा। जब तक मूलधन और सब चेंज ना हो तो ब्याज वही रहेगा। मूलधन चेंज होगा या रेट चेंज होगा तो क्या होगा उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई धन है, प्रिंसिपल मान लीजिए कुछ भी है, 600 रुपये मान लीजिए प्रिंसिपल है ना, और रेट पहले लग रहा था 10% वार्षिक और समय आपका 5 वर्ष था, मान लेते हैं। तो पहले ब्याज कितना होता होगा? 100 रुपया पर ब्याज 10 बचे 50 रुपया, 100 रुपया के लिए ब्याज रेट गुने टाइम 10 बचे 50, 100 रुपया के लिए ब्याज 50 रुपया, तो 600 के लिए 300, पहले ब्याज रह रहा था 300, 300 ब्याज होगा 300 रुपया, ठीक है। अब रेट को कर दिए दुगना, अब हो गया 20% रेट, अब ब्याज कितना निकलेगा? आप नहीं, अभी अगर नहीं डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिएगा, ऐसे करके लिखिएगा, 600 गुने 10 बटा 100 और गुने कितना 5, ब्याज ऐसी ना, और 6 × 25 = 300, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर रेट हो गया 20% बढ़ गया यानी दुगना हो गया, तो यहाँ 600 मूलधन तो वही रहा, रेट केवल कितना हो गया? दुगना। तो रेट 20% हो गया और ये 5 हुआ, आप देखिएगा तो क्या हो गया होगा, 600 गुने 20 बटा 100 गुने 5 वर्ष में, तो ये 00 यानी कि 600। आप देख रहे हो ब्याज क्या हो रहा है, इधर रेट बदला है और ब्याज क्या हुआ? दुगना हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि रेट वही रखेंगे, 600 रुपया है, रेट वही 10% रख रहे हैं, लेकिन समय को हम कर दे रहे हैं क्या 3 गुना, 15 वर्ष कर दे रहे हैं समय को, 3 गुना कर देंगे अगर समय को, 3 गुना जैसी समय को करते हैं आप, तो ये 600 रुपया 10% के दर से 15 वर्ष में चेंज होकर 15×96 900। देखो बाबू, यहाँ पर रेट को दुगना किया गया था, ठीक है, और यहाँ पर समय को क्या किया गया? तिगुना किया गया, और जैसी समय को तिगुना किए ब्याज हो गया तिगुना। जहाँ पर समय को रेट को दुगना किया गया था तो ब्याज क्या हुआ था? दुगना। और अगर रेट और समय दोनों को एक को दुगना एक को तिगुना कर दें, देखिए रेट और टाइम दोनों को, रेट को कर दे रहे फिर से दुगना और समय को कर दे रहे अगर 3 गुना, तो देखिए क्या होगा। मूलधन वही है 600 रुपया पर, रेट को दुगना किए हैं तो 20% और समय को दुगना किए हैं तो 3 गुना किए हैं तो 15 वर्ष, तो ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज होगा बाबू फिर से वैसे, यानी 600 गुने 20 बटा 100 और गुने 15, 00 से 00, और 6 × 12 = 15 = 180 पर 10 = 1800। आप देख रहे हो कितना गुना हुआ? 6 गुना, यानी कि 2 गुना ये हो रहा था, 3 गुना ये हो रहा था, तो यानी कि कितना गुना होगा? 6 गुना हो जाएगा ब्याज। समझ पा रहे हैं बात? 6 गुना हो जाए, यानी कि आप जो पढ़े हैं अभी अभी बाबू, आपने पढ़ा कि साधारण ब्याज डिपेंड करता है प्रिंसिपल रेट और टाइम पर, यह सही बात है। प्रिंसिपल को हम रखे थे कॉन्स्टेंट, यानी कि पी कॉन्स्टेंट होता है, और अगर देखो पहला केस में कौन प्रिंसिपल, सब केस में वही बराबर बराबर है, तो यहाँ पर कहते हैं कि पी कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन चेंज किस में हुआ था पहला बार में, पहला केस में कौन, दूसरा और तीसरा केस है ये। आपने देखा कि पहला केस में कौन चेंज हो रहा है? रेट, रेट चेंज हो रहा है, यानी कि रेट चेंज हो रहा होगा तो रेट को छोड़िए, और कॉन्स्टेंट कौन सा कौन कौन रहा होगा? पी और टी, प्रिंसिपल और टाइम वही रहा था ना, प्रिंसिपल 600 और टाइम भी 5 वर्ष, प्रिंसिपल और टाइम यहाँ पर कांस्टेंट रहा, ये कांस्टेंट रहा, तो चेंज क्या हुआ? केवल रेट। तो आप देखिएगा तो साधारण ब्याज समानुपाती हो गया होगा किसके? रेट के। और जब साधारण ब्याज चेंज किया होगा, यदि आप कांस्टेंट हो जाए कौन, अगर रेट और प्रिंसिपल कांस्टेंट हो जाए, रेट और प्रिंसिपल कांस्टेंट हो जाए, यानी कि दर और मूलधन कांस्टेंट हो जाए, तो वो चेंज होगा किसके अनुसार? टाइम के अनुसार। और अगर केवल केवल कांस्टेंट रहे कौन, पी
प्रिंसिपल कांस्टेंट रहे तो साधारण ब्याज चेंज होगा आर और टी के अनुसार। क्लियर है? रेट गुने टाइम के अनुसार। आपको ये बात समझना होगा, ये तमाम बातें आप लिखने योग्य चीज़ों को जो जहाँ पर लगता है वहाँ पर आप लिख लीजिएगा। मैं केवल बढ़ते चलता हूँ, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जिसके चलते आपको मैं समझाते चलता हूँ, बढ़ते चलता हूँ इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, कुछ समझना है तो बता सकते हैं आप। नहीं नहीं आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लिक हो गया, ठीक है। नहीं नहीं ये भेज दिया जाएगा, और आपको इतना तो कष्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप देखकर। वीडियो तो रहेगा ही, अभी आज वाला वीडियो नहीं हटाएंगे, ठीक है, ठीक है, देखिएगा। लेकिन बाकी अभी देखिए ये चीज़ जो आप समझे हैं वो कितना यूजफुल, जो प्रतिशत में आप पढ़े हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े हैं आप, वो कितना यूज़ करेगा। कहेगा ना कि किसी साधारण किसी किसी वस्तु का किसी कोई कर्ज लिए हैं, कोई कर्ज लिए हैं, कोई धन कर्ज लिया गया, पी धन कर्ज लिया गया, कोई धन कर्ज लिया गया, कोई खास धन कर्जा कर्ज लिया गया, उधार लिया गया, और यदि रेट पहले का जो कुछ भी है, किसी खास दर से कोई धन उधार लिया गया, किसी खास कोई धन किसी खास दर से खास समय के लिए, यानी कोई डिफिनिट टाइम के लिए, खास समय के लिए कर्ज लिया गया, ठीक है, लिया गया है, यदि ब्याज की दर में 20% वृद्धि कर दी जाए, तथा समय में 12.5% की वृद्धि करे, तो ब्याज कितना प्रतिशत बढ़ेगा, में क्या बदलाव आएगा। आप समझ पा रहे हैं बात? देखो ये मैं रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूं, टाइप्स करवाऊंगा अभी, लेकिन मैं जो जो समझा रहा हूं ना उसके हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चन लेते जा रहा हूं। यहां पर समझिएगा कि आपको पता था कि ब्याज जो है सो समानुपाती होता है किसके, पी आर टी के। बस इसी पर सब कुछ चलेगा बाबू, जितना कुछ समझाएंगे यही पर समझाएंगे हम, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अलग अलग ढंग से बनाते रहता है। अब जैसे देखिए क्या बना रहे हैं कि भाई रेट को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, टाइम को भी बदल दिया गया, रेट बढ़ा दिया गया 20%, टाइम को भी वृद्धि कर दिया गया कितना, 12.5%। इसका मतलब कि ब्याज बढ़ने वाला है, रेट बढ़ा है और टाइम बढ़ा है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको ब्याज पर डिपेंड कर, ब्याज सीधा डिपेंड करता है पीआरटी पर, और आपको देख रहे हैं कि प्रिंसिपल तो वही है लेकिन रेट बढ़ा है और टाइम बढ़ा है। अब आप क्या सोचिए, अब आप सोचिए क्या कि भाई पी कांस्टेंट है, यानी कि अगर रेट 20% बढ़ा है, हैं रेट 20% बढ़ा है, तो यानी कि 20% का मतलब क्या होगा, 1/5 बढ़ा है, यानी कि 5 से 6 हुआ, यानी पहले और बाद में, पहले वाला रेट होगा 5 रुपया रेट लगता होगा, तो अब 6% रेट लगता होगा, ठीक है। और पहले का समय अगर 8 वर्ष है, 12.5% का मतलब 1/8, अगर पहले समय 8 वर्ष था तो अब 9 वर्ष होगा, यानी कि जो ब्याज बदलेगा बाबू वो रेट और टाइम के गुणनफल के अनुपात में बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये रेट आपका और ये आपका टाइम बढ़ा है दोनों। तो भाई यहाँ पर सीधा 8×5=40 और 9×6=54, यानी कि 40 से क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा ब्याज। पहले वाला ब्याज कितना रहा होगा, 40, तो अब हो जाएगा 54। कितना परसेंट बढ़ा, वृद्धि कितना हुआ, 14% की वृद्धि हुआ, 40 से 54 हुआ, यानी कि इतना गुने 100,
काटिएगा, ये मिलेगा आपको 7 × 2 = 14 और 2 × 4 = 4, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, यानी कि 35% क्या हुआ। आप चाहते तो यहाँ पर भी काट सकते थे, यहाँ पर भी काट सकते थे, लेकिन आप लिख लिए ऐसे इनिशियली, यानी कि साधारण ब्याज में बढ़ोतरी होगा कितना, 35% का। ये आप याद है आपको, सक्सेसिव रूप से चीज़ों को बढ़ा देते थे, तो ये 35% आपका चक्र साधारण ब्याज में क्या होगा, पहले वाले के रेस्पेक्ट में वृद्धि हो जाएगा। देखो सब लोग फोटो खींचे के चक्कर में, ऐसा ना कि समझना निकाल आई थी होता है, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देंगे या फिर समझ लेना है अपने आप से। देखिए हम कोई कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं तो किसी क्वेश्चन को टारगेट करके नहीं कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन होते हैं। तो कभी ये नहीं सोचिएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई क्वेश्चन दिया होगा उसके अनुसार से, नहीं, आपको समझना है कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों में कुछ बदलाव होगा तो सीधा असर किस पर पड़ेगा। अगर कोई कह दे कि ब्याज दुगना हो गया तो समझ लीजिए कि यही तीनों में से कोई चेंज किया है। अरे कोई समझ पा रहे हैं, या तो तीनों चेंज कर सकता है या तो दोनों चेंज किया होगा, कोई एक कॉन्स्टेंट होगा, यही में से चेंज होगा। ये नहीं, समय में वृद्धि हुआ, जैसे पहले 8 साल समय रहता होगा, 9 साल कर दिया गया। ये कह रहे हैं ना कि सर ये रेट में वृद्धि किए हैं ना आप, नहीं रेट नहीं है, वो समय में 12.5% की वृद्धि है। जैसे पहले 4 वर्ष समय रहता होगा तो आप कितना, 4 वर्ष है तो आप कितना हो गया होगा, 4.5 ना, 4 वर्ष कितना, 4.5 हो गया होगा। जैसे 8 वर्ष रहता तो 9 हो जाता, 16 वर्ष रहेगा तो 18 वर्ष समय हो जाएगा। समय में कितना वृद्धि हुआ, 12.5%, और दर में कितना वृद्धि हुआ, 20%। पहले का दर 5 रुपया प्रति सैकड़ा लगता होगा तो अब 6 रुपया, पहले का दर 10% रहता होगा तो अब दर 12%। समझ रहे हैं, ये पूर्णतः समय है। आप ये भी कह सकते हैं 8 वर्ष पहले समय तो अब होगा 9 वर्ष, ये समय में वृद्धि हुआ है। और ये सीधा सीधा दर है, पहले 5% तो अब 6%। तो भैया पहले के अनुसार से ब्याज रहता 100 रुपया पर 8×5 = 40, रेट गुने टाइम ब्याज होता है ना, अरे 8×5 = 40, तो आपका ब्याज 9×5 = 9×6 = 54 हो जाएगा। क्लियर हुआ बात, समझ रहे हैं बात को। देखिए बाबू ये चीज़ समझते हैं तो क्या क्या मज़ेदार चीज़ है सब कुछ। अगर आपको पता हो कि पहले 3% रेट लगता था, मान लो कि 600 रुपया का 5 वर्ष में 3 वर्ष का जो ब्याज था, 3% के दर से जो ब्याज था, उस 3% के जगह पर, देखो पहला केस में 600 रुपया पर 5 वर्ष में, 5 वर्ष के लिए 3% ब्याज मिलता था। एक दूसरा जगह पर देखा कि दूसरा जगह पर अगर वही 600 रुपये आप लगाते, दूसरा जगह पर वही 600 रुपये लगाते तो ब्याज क्या मिलता, 600 रुपया 5 वर्ष के लिए लगाते तो ब्याज मिलता कुछ ज़्यादा, चाहे मूलधन नहीं रखे, मूलधन मान लीजिए ना है, प्रिंसिपल पी है, 5% के दर से 3 वर्ष के लिए लगाए हैं और वही धन यानी पी को ही 5 वर्ष के लिए ही 8% के दर से लगा दिए। कितना प्रतिशत के दर से, 8% के दर से, और ब्याज बदल गया, जानते हैं कितना ब्याज मिला, 600 रुपये अधिक, 600 रुपये बार बार लिख रहे हैं, मैं लिखता हूं 30 रुपये अधिक, कितना ब्याज अधिक मिला, 30 रुपया, या 300 रुपये अधिक मिला। तो बताइए मूलधन कितना था, तो जरा सा सोचिए, अरे सुनिएगा, जरा सोचिएगा कितना रुपया अधिक मिला, 30 रुपया, 30 रुपया ले लीजिए, या फिर यहाँ पर कोई भी 120 रुपया अधिक ले लीजिए, 120 रुपया। आपको क्या सोचना है, क्या बदला, पहले वाला मूलधन वही है ना, क्या है, रेट है और ब्याज क्या है, वही है, सॉरी रेट और समय वही है, केवल चेंज किया क्या है, दर चेंज किया है ना, दर कितना था पहले 3%, अब दर कितना हुआ, समय तो वही ना है अभी, अब आपको जानकारी हो कि दर में चेंजिंग होगा तो पहले वाले अगर धन मानते हैं पी 100 रुपया
तो पहले का रेट अगर रहता 3% तो 5 × 3 = 15 रुपया ऐसा ही होता क्या जी। और अब का जो ब्याज होगा सो 8 × 5, अब का ब्याज होगा सेकेंड केस के अनुसार जो ब्याज होगा सो 40 होगा। बदला कितना, 25 रुपया का बदलाव आया, 25 रुपया का बदलाव आया, यानी चेंज कितना बढ़ गया ब्याज 25। अरे समझ पा रहे हो बात, हम प्रिंसिपल मान लिए 100 रुपया, 100 रुपया के लिए ब्याज कितना 15 रुपया, और वही 100 रुपया यानी मूलधन वही है। क्वेश्चन क्या था कि कोई धन था जिसको 5 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए लगाया गया, एक दूसरा धन है जो 5 वर्ष के लिए 8% पर लगा दिया गया, वही धन दूसरे जगह पर लगाया गया, वहां रेट कितना था 8%। तो सेम धन को 5 वर्ष के लिए 8% पर लगाया तो इसको 120 रुपया ब्याज अधिक मिला। तो आपको ये समझना है कि भैया धन कितना था, तो आप तुरंत कुछ नहीं कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ब्याज बराबर रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम यानी कि कई रुपया अधिक ब्याज, ब्याज 25 रुपया अधिक, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पर 25 है, मेरे 100 रुपया प्रिंसिपल मानने के अनुसार ही 25 रुपया ब्याज है, यानी कि यहाँ पर ब्याज कितना है, यानी कि यही 25 है, सो 120 रुपया है, तो 100 कितना। देखो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको आगे में भी बताते रहूँगा, पहले हम थोड़ा सा टाइप्स की तरफ आज बढ़ते हैं। 2500 का 100, 2500 का 48, 480 हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, फिर हम आपको और कॉन्सेप्ट धीरे 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 करके, अभी दो तीन बातों पर फोकस हुआ है। पहला कि समानुपाती होता है, प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल है किसके, ऐसा है, यानी प्रिंसिपल बदलेगा साधारण ब्याज बदलेगा, रेट बदलेगा साधारण ब्याज बदलेगा, दर बदलेगा ओ यानी समय बदलेगा साधारण ब्याज बदलेगा, ये तब सभी पर डिपेंड करे। यानी कि कोई कहे कि ब्याज बदल गए लो, इसका मतलब कौन बदल लो, रेट टाइम और प्रिंसिपल, इसमें से कोई भी बदला होगा तभी बदलेगा। चलिए मैं क्वेश्चन से करता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा शायद। देखिए मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि ऑनलाइन में ऐसे आज हम लोग पूरी तरह से इस पे करवाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सरकार एक बार एक डिसीजन ली, आभास दे देती, हो जाता दिन में होता तो शायद हम लोग कर भी लेते। तो नेक्स्ट क्लास से एक क्वेश्चन पर तीन तीन क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे ना, अभी बेसिक वाला में नहीं करेंगे, ऐसे अच्छे क्वेश्चनों के लिए एक ही टाइप का 3-4 क्वेश्चन करेंगे। लाइव रहिएगा आप भी, तो आपको क्वेश्चन 3, 2, 1 में सीखिए, दूसरे में अप्लाई कीजिए, फटाफट आंसर लिखिए। मैं नया क्वेश्चन डालूंगा ताकि पहले से पैकेज में आपका किसी के पैकेज में ना हो, तो आपको कोई आंसर देख के ना मारे, बनाने के बाद ही मारेगा, क्लियर है, तो मज़ा आ जाएगा। आप लोग बस जुड़े रहिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमेशा से विकट परिस्थितियों में हमने और मेहनत से काम किया है। जब जब ज़्यादा दिक्कत हुआ है तो हमारा रूल यही रहा है कि उस दिक्कतों से आँख मिलाकर काम करना। और अभी हम लोगों के टीचिंग फील्ड में ये लगातार लगभग 2-3 साल से ऐसा चल रहा है, 19 से एक तरह से कहिए ग्रसित है कि नहीं, और अभी तक आँख मिलाते रहे। और अब तो समय ये है, पहले वाला में तो ये थोड़ा सा ये भी रहा कि पुराने छात्र रहे बहुत लोग, तो बहुत पुराने छात्र जो थे वो क्या हुआ कि वो लोग का अंतिम फेज था, अब आपका अंतिम फेज नहीं है। उस समय तो हम छोड़ भी दिए कुछ को, मोटिवेट नहीं कर पाए, किसी का एज खत्म हो रहा था, किसी का बेचारा 3-4 साल से ऑलरेडी रह रहा था गया में, अब उसको रोकना मुश्किल था, तो उसको बोले कि भाई अपने अनुसार डिसीजन आप लीजिए, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा यार, मैं खो नहीं सकता ये बैच, ठीक है, जान लगा देंगे हम भी अगर आप, मतलब है कि आपका अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ है एक तरह से, अभी आप एक एग्ज़ाम देने का अनुभव नहीं रखते हैं, अभी आप जो पढ़े हो उसको भी बढ़िया से नहीं पढ़े हो ऐसा लग रहा है, जितना पढ़े हैं उसको अभी यूज़ नहीं कर पाए हैं आप, तो यार आपका शुरुआत है। और इसीलिए कोई भी गया छोड़ के घर ना जाए, कोई ये ना सोचे कि अभी यहाँ से ऑनलाइन पढ़ना है वहाँ से पढ़ना है, यहाँ पर पढ़िए, कम डिस्टर्ब रहिएगा, यहाँ कम डिस्टर्ब रहिएगा, घरे वो काम हो ही जाता है कि जा रहे फलना घर से ठड़वाई मांग ले आओ, ठड़वाई समझते हैं, ठड़वाई इंस्ट्रूमेंट होता है वो, कुदाल चपाड़ वगैरह भी हाँ बोलते हैं आप, अब ऐसा छोटा छोटा काम। अच्छा घर में अगर आप छोटे हैं तब तो आओ काम है, जे या से ए सुन 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 कहाँ जाते नहीं, बैठ लेना है फोन देखते रहते ना, जागे लगे आओ, आपको भेज दिया जाता है, यहाँ पर रहेंगे आप बढ़िया से पढ़ेंगे, आप अपने अनुसार काम करेंगे। अगर सचमुच लग के इस स्थिति में पढ़ ली, देखो किसी किसी के लिए ये स्थितियाँ खराब भी हैं और अच्छा भी, क्यों, क्योंकि कोई कोई
एकदम हताश होकर छोड़ देगा और फिर अपना फ्री हो जाएगा। और कोई अगर मेरे पास जुड़ गया है सही में, और सही में अगर आप काम कर देते हैं तो यकीन मानिए बेहतर होना तय है सबका। और जितना देखो मार्केट में बहुत तरह के लोग हैं, सब लोग सिंसियर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो लोग मेरे बातों से प्रभावित रहते हैं, समझते हैं चीज़ों को, स्थितियों को समझते हैं, जानते हैं हमको कि किस स्थिति से स्ट्रगल करके आपको हमेशा से आपके सामने आते रहे यार, हमारा स्थिति क्या रहा था, इन तमाम चीज़ों को जो जानते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई लड़ना तो पड़ेगा, ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी और ये आपको अब संभालना होगा क्योंकि आने वाले समय में एग्ज़ाम है। देखो मैं 18 वाले को ये भी नहीं कह सकता था कि तुम रुको एग्ज़ाम है, ठीक है, लेकिन आपको कह सकता हूँ कि रुकिए आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम है और आपके लिए एग्ज़ाम है, क्योंकि बहुत लोग मैदान खाली कर चुका है, बहुत लोग सीनियर लोग है सो छोड़ चुका है, सब CGL वाला ने यार तैयारी करने वाले अच्छे अच्छे छात्र लास्ट मान रहा है ये वाला ग्रुप डी को और NTPC को। सो प्लीज़ हमको लगता है कि आपको लगना चाहिए, और डेली ऐसा नहीं रहेगा कि रिकॉर्ड करके डालेंगे, हमेशा से लाइव डालेंगे। और एक बात और है कि लाइव हम लोग करेंगे तो आप लोग के बैच के तकरीबन सभी बच्चों का फुल पेमेंट है तो एकदम छोड़ेंगे। अच्छा एक चीज़ और कन्फ्यूजन हो रहा है सबको कि सर क्या लाइव कर लेंगे और मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो फिर क्या मेरा पैसा बर्बाद हो गया? नहीं, आप वो टॉपिक किसी भी बैच में आके पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा, बशर्ते कि आपको इसमें फुल पेमेंट हो। फुल पेमेंट नहीं रहेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे थे कि पकड़िए कि छोड़ दिए, पकड़िए कि छोड़ दिया, तो ऐसे वाला के दिक्कत है, समझ रहे हैं। तो आपको किसी भी बैच में पढ़ने का, एडवांस मैथ्स, जनरल मैथ्स, जिसमें आपका फुल पेमेंट है, किसी बैच में कर सकते हैं ऑफलाइन भी, ठीक है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि तकरीबन साल भर के करीब आपको गया में तो और रुकना ही पड़ेगा अभी से, तभी रिजल्ट होगा। साल भर क्या आप लोग 2 साल 2 साल 3 साल सोचे होंगे, कितने लोगों को तो विश्वास ही ना होता है कि सही नौकरी हो जाता है तुरंत है। लेकिन हाँ बहुत लोग वादा कर रखे हैं हमसे कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट देंगे, इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और इसीलिए मैं आपके बैच के मैं मानता हूँ कि इसमें से अगर 40 बच्चा भी रिजल्ट दे देता है तो गदगद मन हो जाएगा, लगेगा कि हाँ हमारा तबीयत खराब रहता था उस समय भी क्लास लिए हैं तो इसका बेनिफिट हुआ है। खैर सवाल पहला लेते हैं, ये पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन करवाया गया था लेकिन मैं शुरू से शुरू करता हूँ। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है, तो भैया लिखेंगे 8×40 रुपया ब्याज कितना के प्रिंसिपल 100 के लिए, रेट गुने टाइम ही ब्याज होता है 100 रुपया के लिए, 140 है, 40 रुपये ब्याज कितना दे रखा है 160, यानी कि मैं कहूँगा कि 160 रुपया जो है सो मेरे अनुसार 40 है, तो हमारे अनुसार जो मेरा प्रिंसिपल 100 माना हुआ था वो कितना होगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपको चर्चम का 16 400 रुपया। क्लियर है बात, ये तमाम चीज़ें पिछले क्लास में भी करवा चुके हैं। कभी भी प्रिंसिपल निकालना हो या मृषधन निकालना हो, मृषधन निकालना होता तो ये हमारा ब्याज हो जाता है इतना और अमाउंट हो जाता है 140, मुझे निकालना होता तो यहाँ पर 140 रख देते, कैलकुलेट हो जाता। और नहीं तो आप चाहते हो कि एकदम ऑथेंटिक निकालिए तो कोई बात नहीं, आप ऑथेंटिक निकालिएगा, लेकिन मान लीजिए कि पी गुने मानना पड़ेगा 8×5/100 बराबर दे है कितना 160, तो पी बराबर यहाँ से मिल जाएगा कितना 8×40 × 16 यानी यहाँ पर से 400, और फिर 400 रुपया मिल गया और ब्याज था हमारा कितना 160, तो अमाउंट हो जाएगा 400+160। ऐसे भी सोच सकते थे, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अब इस तरह से सोचना है कि प्रिंसिपल हमेशा मानना है 160, प्रिंसिपल हमेशा मानना है कितना, प्रिंसिपल हमेशा मानना है 100 रुपया, और 100 रुपया मान के ब्याज निकालना है, 100 रुपया जैसी मान लिए वैसी ब्याज बराबर रेट गुने टाइम होगा, और रेट गुने टाइम से ब्याज निकाल के ब्याज का तुलना ब्याज से कर दीजिए, और प्रिंसिपल निकालना है प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लीजिए, प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के बाद आप अमाउंट निकालना है तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अमाउंट निकाल के 140 यहां पर रखिएगा, डायरेक्ट निकलेगा 14×56,560। नहीं, अगर मुझे डायरेक्ट, ये तो हो गया प्रिंसिपल 400 रुपया, अगर मुझे अमाउंट निकालना रहता तो 140 रखते, और 40×160 तो 1/4 और 14×14×56,560 रुपया। मुझे लगता है कि बात कुछ स्पष्ट हुआ है। अगला सवाल अगर आप देखें तो देता है कि 960 रुपया धन का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज तथा मृषधन फिर वैसा ही है, आपको 5×20 रुपया ब्याज हुआ होगा कितना के लिए, प्रिंसिपल 100 रुपया होगा तो ब्याज आपका 20 होगा,
SI कितना होगा, रेट गुने टाइम होता है 100 रुपया के लिए, तो ब्याज होगा 20 रुपया और अमाउंट हो जाएगा 120 रुपया। हमें दिया हुआ क्या है इसमें, इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल, तो हम 100 से तुलना करेंगे प्रिंसिपल का, चूंकि हमने 100 माना है, 100 = 960, 120 अमाउंट, और क्या निकालना था, ब्याज भी, तो पहले 20 निकाल लीजिए और फिर 120 कह सकते हैं, 20 से 20, 96 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 9 × 2 = 18 और 1 = 19, 192 और 1100, यहाँ जोड़ दीजिए सर, 12 × 72 और बर्नामा टोटल से 108, 9 यानी कि 1, 8, 7, 15, 152 होता होगा। अब बताइए सर मैं क्या 120 लिखना जरूरी है, क्या मैं प्रिंसिपल ब्याज निकल गया था तो मैं डायरेक्ट नहीं निकल सकता था क्या अमाउंट, अमाउंट बराबर 960 और प्लस ब्याज 120, तब भी तो आता है 1150, ऐसे क्या करना गलत होगा, कुछ गलत नहीं है। हाँ यहाँ 960 प्लस 192 शायद था और हम गलती लिख दिए, केयर कीजिएगा, 9, 1, 10 और 1, 11, 1152 रुपया। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न संख्या देखिएगा, देखिए किसी धन का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ऐसे होना चाहिए, किसी धन का नहीं, कोई धन, क्या यहां पर लिखिएगा, कोई धन साधारण ब्याज, ऐसा ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझिएगा, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, कोई सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, दर से, सिंपल इंटरेस्ट की दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो इसमें कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा, तो तिगुना होने में कितना साल लगेगा, समय लगेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है, कितना समय लगेगा, साल लगेगा या फिर समय लगेगा, साल ओढ़े वाला साल नहीं, समय, कितना समय लगेगा। तो पहले समझिए बात को भाई, दुगुना हो जाएगा, ये क्या, ये भाषा जो है, दुगुना हो जाएगा का मतलब क्या है, मतलब कि 100 रुपया अगर मूलधन है और अगर रेट आपका दिया है 5%, 100 रुपया मूलधन है, रेट 5% और टाइम 3 वर्ष है, तो 100 रुपया के लिए पचती है, 15 रुपया ब्याज होता है, लेकिन धन टोटल कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा 115, तो ये हो जाएगा सो कौन सा है, मृषधन है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 100 रुपया का धन 5% के दर से 3 वर्ष में 115 रुपया हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि 100 रुपया का कोई मूलधन 5% की दर से 3 साल में 115 रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा का मतलब कि क्या है, मृषधन, समझ में आया बात, हो जाएगा जहां भी वर्ड रहेगा उसका मतलब हो गया मृषधन, अमाउंट, यानी जोड़ना के कंपाउंड, ये एक तरह से जोड़कर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं क्या, सवाल कह रहे हैं कि कोई धन ऐसा है ना कि शुरुआत में अगर एक है तो 20 साल लगा ना, 20 साल लगा, तो 20 वर्ष में क्या हो गया पता है, 20 वर्ष में दुगना हो गया, यानी कि प्रिंसिपल था 1 रुपया, तो प्रिंसिपल था 1 रुपया, तो हो गया कितना, अमाउंट हो गया 2 गुना, यानी 2 रुपया हो गया, 1 रुपया था तो कितना रुपया हो गया, 2 रुपये। भाई इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट हो गया ना 2 रुपया, यानी कि ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया, ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया, ब्याज सिंपल है 1 रुपया हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तब हुआ होगा 2 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया तब हुआ होगा जब 1 रुपया ब्याज हुआ होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने साल में तिगुना हो जाए, इसका मतलब यह है कि 1 रुपया का, 1 रुपया का 20 साल में 1 रुपया ब्याज मिलता है, हेलो, 1 रुपया का 20 साल में 1 रुपया ब्याज, यानी कि 40 साल में 2 रुपया ब्याज, क्योंकि हर साल ब्याज, हर पार्टिकुलर इंटरवल के बाद ब्याज बराबर बराबर बढ़ेगा, अगर 20 साल में 1 रुपया बढ़ा है तो फिर अगला 20 साल में क्या बढ़ेगा, 1 रुपया,
10 साल में आधा रुपये बढ़ेगा। अरे ठीक है, क्योंकि बराबर समय होने, बराबर समय बीतने पर उतना ही बराबर ब्याज बढ़ता है। जैसे हम शुरुआत में बता रहे थे कि एक साल में अगर 60 रुपया ब्याज, तो फिर अगला साल 60 रुपया ब्याज, फिर अगला साल 60 रुपये ब्याज, तो यहाँ 10 साल में 1 रुपया ब्याज कमा रहा है। ये क्वेश्चन तो यही मेरे अनुसार रेशियो में तो यही है कि 20 साल में 1:1 रेशियो, 1:1 ब्याज, 1 रुपया ब्याज 20 साल में, तो 10 साल में आधा रुपया और 40 साल में 2 रुपया ब्याज। क्लियर है? ये कहता है ना कि तो बताइए ना कि कै साल में, ना ना कितना साल में, कितना साल में, कितने वर्ष में प्रिंसिपल है सो अमाउंट, प्रिंसिपल से अमाउंट 3 गुना हो जाएगा। कितने साल में तिगुना होने के लिए, अरे इसका तिगुना होने के लिए, तो इसका कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इसको तिगुना होने में, इसको किसको, मूलधन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? बाबू ये देखिए कि ब्याज कितना हुआ है, कै रुपया ब्याज, 2 रुपया है जी, 1 रुपया हो में 20 साल, तो ये जितना गुना हुआ हो उतना गुना समय हो जाएगा। अरे भाई अगर ये प्रतीत, ये दर्शाता है कि ब्याज जितना गुना हुआ, अगर केवल समय बदल रहा है, समय के बदलने से ऐसा हो, क्योंकि मूलधन तो वही है और दर भी वही होगा, कोई दर के बारे में कोई चेंजिंग नहीं, यानी कि ब्याज बदल रहा है तो कहीं ना कहीं समय बदला होगा। अगर ब्याज दुगुना हुआ है तो समय दुगुना होगा, यानी कि कई साल बाद 20 × 2 यानी कि 40 वर्ष बाद। क्लियर है बात? समझ में आया बात कि आपको हमेशा देखो अमाउंट पे काम नहीं करना है, नहीं, आपको काम करना है किस पर, ब्याज पर, क्योंकि ब्याज के अनुसार अमाउंट बदलता है और ब्याज समय, टाइम, समय, रेट और मूलधन पर बदलता है। तो सोचिए ना कि 1 रुपया ब्याज होने में 20 साल लग गया और हमको चाहिए कितना रुपया ब्याज, तो कै साल ब्याज, कै साल तक इंतजार करना पड़ेगा, 40 साल। मुझे लगता है क्लियर हुआ। अगला सवाल देखिएगा बाबू, 13 वर्ष में किसी खास साधारण ब्याज की दर से कोई धन 13 वर्षों में किसी खास साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है। भैया 1 से 5 हो गया कै साल में, प्रिंसिपल से अमाउंट हो गया 13 साल में, 13 वर्ष में, ठीक है, यानी कि ब्याज कै रुपया, एसआई कै रुपया, 4 रुपया। आपको एसआई पर फोकस करना है। बोलता है कि तो भैया बताइए कि वही धन, ये कुछ गड़बड़ है, वही धन, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई नहीं, आप समझे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। हाँ देखिएगा, कोई धन 13 वर्ष में क्या हो गया, 5 गुना हो गया, समझ पा रहे हैं बात, 1 से 5 हुआ, अमाउंट ना है 5 बाबू, हम क्या सोचेंगे, ब्याज, यानी ब्याज कै रुपया हुआ, कै साल में, तो 39 साल में कह रहा है, प्रिंसिपल से अमाउंट कह रहा है 39 साल में, कै गुना हुआ है वर्ष, तो 1 रुपया कितना गुना हो जाएगा ये बोल रहा है। हमारा मूलधन कितना माने थे, 1 ना, यानी मूलधन 1 कितना हो जाएगा ये बोल रहा है, कितना गुना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, कितना गुना हो जाएगा धन। तो आप क्या कीजिए पता है, आप तुरंत सोचिए कि 13 से 39 वर्ष हुआ, यानी कै गुना हुआ, 3 गुना, और चरतिया, ये भी तो ब्याज भी तो 3 गुना होगा। देखो भाई सीधा सीधा बात है, अगर ब्याज समय 3 गुना हुआ है और बाकी प्रिंसिपल और दर में कोई बदलाव नहीं है, इसका मतलब है कि ब्याज 3 गुना होगा, ठीक है, तो ब्याज 3 गुना होगा, यानी 4 रुपया चरतिया ही 12 रुपया ब्याज हो जाएगा, और 12 रुपया ब्याज बढ़ेगा तो मृषधन हो जाएगा, 12 और 1 13, तो कितना गुना होगा, तो आंसर होगा 13 गुना। नहीं समझे लगता है कि नहीं समझ में आया, एक बार आप फिर से समझिए, आप पहले ये समझिए कि मजा नहीं आ रहा है, सुनिएगा बढ़िया से, कोई धन 1 रुपया था, वो 5 रुपया हुआ, ऐसा होने में कितना साल लग गया, आप अमाउंट छोड़िए, आप देखिए कि ब्याज कितना मिला, 13 साल में 4 रुपया ब्याज है, 13 साल में 4 रुपया ब्याज है। अब कहता है कि तो 39 साल में कई रुपया ब्याज होगा, तो 13 × 26 39 तो चरतिया 12 रुपया ब्याज होगा, और अगर 12 रुपया ब्याज होगा और 1 रुपया मूलधन था, पहले वाला मूलधन, मूलधन सेम है बाबू,
मूलधन नहीं बदला है, मूलधन वही है। तो एक रुपया मूलधन और 12 रुपया ब्याज, तो 13 रुपया मिश्रधन। तो कितना गुना हो गया अब, मूलधन से 13 गुना हो गया। क्या क्लियर हुआ बात यहां तक? अरे समझ में आया क्या? आप सीधा सीधा वैसे ना समझे, कई गुना हुआ समय, 3 गुना, तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। समय ब्याज अगर 4 गुना हो रहा है तो समय 4 गुना होगा। बस ऐसे देखिए, समय 2.5 गुना हो रहा है तो ब्याज भी 2.5 गुना होगा। आपको बस यही कंपेयर करना है, कुछ ऐसे वाला में इतना गुना हो गया तो इतना गुना कब हो जाएगा, ऐसे रहेगा सवाल। तो क्लियर है मुझे लगता है कि, और बहुत सारे सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, एक निश्चित धन ऐसा कि निश्चित दर से 4 वर्ष में 7/5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? देखो फंसा रहा है ये, कितना हो गई भाई साहब, प्रिंसिपल से अमाउंट हो गया कितना? कोई ये देखो, एक निश्चित धन का पी का मान लीजिए का एसआई की एक निश्चित दर से, दर वही है, 4 वर्ष में समय दिल है, 7/5 गुना हो गया, यानी कि 4 वर्ष में प्रिंसिपल का अमाउंट जो है सो 7, प्रिंसिपल का 4/7/5। अच्छा कोई 7/5 गुना हुआ इसका मतलब जानते हो क्या? 5 से 7 हो गया होगा। अरे नहीं, 7/5 होने का मतलब क्या? नीचे वाला पहले वाला और बाद वाला 7, 5 से 7 हो गया होगा। और हो जाता है का मतलब ये अमाउंट है, और यानी ब्याज कितना रुपया, ऐसा होने में कितना साल लगा? 4 वर्ष। ध्यान दीजिएगा जनाब, 4 वर्ष। अब देखो क्या कहता है, तो ये पहले समझिए जी, प्रिंसिपल पहले पी था तो अब अमाउंट हो गया, जानते हैं पी का 7/5 गुना, अनुपात निकालिएगा तो कट जाएगा और 5:7। और नहीं तो डायरेक्ट सोचा कीजिए कि कोई 5/7, ये तुरंत मिटा देते हैं सर, नहीं मिटाए हैं। तो अगर ब्याज सॉरी अगर अमाउंट 7/5 गुना हुआ है, इसका मतलब कि पहले पहले प्रिंसिपल 5 होगा, नीचे वाला देखो 7/5 गुना हुआ ना, तो नीचे वाला प्रिंसिपल और ये जो हो गया है 100। क्लियर है? तो ये नहीं, 2 रुपया ब्याज यहाँ पर है बाबू। अब देखो प्रिंसिपल से अमाउंट, फिर तो प्रिंसिपल 5 रुपया है और अमाउंट क्या होगा 100 पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल नहीं बदला है बाबू, वही धन, निश्चित धन, निश्चित दर, दर और धन क्या है? कांस्टेंट है। निश्चित निश्चित मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट है, यानी 5 रुपया 5 रुपया धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? 5 × 3 = 15 हो जाएगा ना, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो 5 रुपया धन 3 गुना होगा यानी 15 रुपया। आपको अमाउंट पता लग गया तो आप सबसे पहले देखिए कि ब्याज कितना हुआ, 10 रुपया ब्याज हुआ ना जी। ब्याज कितना हुआ? 10। ब्याज कितना हुआ? 10। कैसे 10? अमाउंट कैसे मान लिया आप? मूलधन 5 क्यों माने आप? मूलधन 5 इसीलिए क्योंकि मूलधन ना बदल रहा है। और 15 कैसे ले लिए? क्योंकि 3 गुना हुआ है तो 5 × 3 = 15। इसका मतलब यह है कि 10 रुपया ब्याज हुआ। और आप देखिए ब्याज कितना गुना हो रहा है, ब्याज कितना गुना? 5 गुना बाबू ब्याज। तो 5 × 20 = 20 वर्ष इसका सही जवाब। कितने वर्षों में हो जाएगा ऐसा? तो 20 वर्षों में। तो हमेशा से आप समझ गए कि तो रेट और टाइम और प्रिंसिपल के अनुसार ही बदलता है कौन? ब्याज। अगर पलही कह दिया निश्चित धन से निश्चित दर, इसका मतलब यह है कि धन और दर निश्चित है, जो होगा सो किसके अनुसार होगा? समय के अनुसार होगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हुई हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल, कोई धन इतना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? अब ये देखो क्या दिया है, कोई दर दिया है इतना दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट तो दे ये दिया, इतना गुना हो जाएगा मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात देल है। कभी भी कहते कि इतना गुना हो जाएगा तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात देल है। तो प्रिंसिपल कितना कितनी गुना हो जाएगा, यानी कि एक प्रिंसिपल तो 3, तो ब्याज का है रुपया 2 रुपया। हमको निकालना क्या है? समय, यानी कि हमारा प्रिंसिपल 1, हमार ब्याज 2, हमार सोना, प्रिंसिपल 1 ब्याज 2 रेट 6.2/3%। समझ पा रहे हो बात? प्रिंसिपल 1 ब्याज 2 रेट 6.2/3। तो क्या नहीं पता लग जाएगा टाइम? टाइम क्या होगा?
टाइम आपको आपको पता है कि टाइम बराबर आपको होता है, टाइम बराबर ना जानते हैं सर, टाइम बराबर तो आप फॉर्मूले में ना बताए थे, ब्याज गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने रेट जो देल है सही ना होता है, तो एकरे पर पटकिए ना, ब्याज बराबर वाला पर पटकिए, पी आर टी बटा 100, आप क्या लिख सकते हैं, ब्याज कितना देल है 2 रुपया, 2 लिखिए, 2 बराबर प्रिंसिपल 1, रेट 36 18 तो 20 बटा 3। हाँ इसको परसेंटेज में लिखना है बाबू, कहे के ओकरा नीचे लिखोगे आप 100, इसीलिए ना कि यहाँ चेंज कर दिया और फिर नीचे सी और 100 लिखिए, झंझना जो तो ठीक है। आप इसको समय कितना, समय यही हमको निकालना था, ठीक आप कैलकुलेट कीजिएगा, 2 दहिए 2 दहिए 10 10 30, 30 हो गया, 30 आ रहा है कि नहीं, मैं इसमें कर देता हूँ आपको, ब्याज कितना रुपया 2 रुपया, 100, और प्रिंसिपल कितना रुपया 1 रुपया, और रेट कितना 36 18 तो 20 बटा 3, तो 20 25 100, 5 3 15 15 2 30, ये समय वर्ष में होगा क्योंकि दर वार्षिक था। क्लियर हुआ? मुझे लगता है यहाँ से कहानी अगले एपिसोड में हमको देखना चाहिए, तो आज भर इतना ही, लगातार इसी तरह से बने रहिए और छोड़ना नहीं है जब तक कि तोड़ना नहीं है, नौकरी लेके छोड़ना है बाबू, धन्यवाद।